खरे खत्म नहीं होते, बड़ा एक बार शादी हो जाने दे। नखरे तो क्या मजा ले जो मेरे सामने जबान भी खोल गई है। अम्मा को पता नहीं क्या सूझी है, मंगनी करवा दी खाली, करवाती ना निकाह। तबीयत साफ कर दो तो इसकी, पानी ला दिया ना। महसूस हो रही थी, कहीं पर भी मेरा दिल नहीं लग रहा था, ना घर में ना ऑफिस में। अनमोल तुमने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा है। तुम भी पुप्पो की तरह मुझे ब्लेम कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि मैं तुम्हारे बिना कितना नामुकम्मल हूं। तुमने कहा था कि कोई जरूरी काम है, बताओ क्या काम है। हाँ, मुझे तुमसे जरूरी काम, मना तो नहीं करोगी? मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारे लिए जरूर कहूंगी सारा। अब कहो क्या है। सारे तुम जल्दी बात करो, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे घर भी जाना है, बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं वो आजकल। से कोर्ट मैरिज करोगी? क्या कहा है तुमने? मुझसे कोर्ट मैरिज करोगी? लो यार फोन। अरीबा शाहजहां जी, अब एक दोस्त को कॉल कर रहा था एक जरूरी काम के लिए। हाँ नजर आ रहा है मुझे। ये बताओ तुम्हारी नौकरी का क्या बन? नौकरी ऐसी नौकरी अब्बा, स्टेट एजेंसी का काम अच्छा खासा चल रहा है। हवाई रोजी को तुम अच्छा खासा काम कहते? और ये जो तुम काम कर रहे हो ना, मैं अच्छी तरह जानता हूं।
मैंने आपदा बहन को जुबान दे रखी कि शादी से पहले तुम कोई अच्छी सी मुलाजमत करो। नहीं, नौकरी मेरे बस की बात नहीं है। मैं जो कर रहा हूं उसमें खुश हूं, गुलामी नहीं होगी मुझसे। गुलामी नहीं कर सकते, कहीं के तुम राजा महाराजा हो, शाहजहां ही समझना खुद को तुम, बादशाहों जैसी सोच है तुम्हारी। मियां साहब फरमाते हैं कि मैं गुलामी नहीं करूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम जी, अगर तुमने अपनी आदतें ना बदली, जिम्मेदार नहीं बनोगे, तो जो बाप तुम्हारी खातिर आपदा बहन से अरीबा का रिश्ता मांग सकता है, तुम्हारा रिश्ता जोड़ सकता है, वो तुम्हारा रिश्ता तोड़ भी सकता है। मैं किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तुमसे जरूरी काम, मना तो नहीं करोगे? उससे कोर्ट मैरिज करोगे? क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा अगर आप नहीं बताएंगे तो? किस धोखे की बात कर रही हैं आप? आपने बताया नहीं कि अनमोल की पहले भी एक मंगनी टूट चुकी है, तो ये क्या है, धोखा ही तो है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप? अनमोल का सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटा, उसकी बहुत सारी बदनामी भी हुई है, जिसकी वजह से उसकी सगी फूफो ने उसे कबूल नहीं किया। I love you Anmol. I love you.
शानी, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? हरीबा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, क्यों, क्या हुआ है? शानी, तुम्हें उससे कोई काम है तो तुम ड्राइंग रूम में बैठो, मैं बुलाकर लाती हूँ। शानी रुको, तुम उसे कमरे में, फोन तुम्हारे हाथ में है, कल से तो मेरी कॉल नहीं उठा। ये कौन सा तरीका है मेरे रूम में आने का? मैं तुम्हारी कॉल ना रिसीव करूं इसका ये नहीं मतलब कि मेहमान बने बिन बुलाए मेरे कमरे में तुम आ जाओ। तुम्हें कोई तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है तुम्हें? मंगेतर हूं तुम्हारा, हक है मेरा तुम पे, समझी? हाँ, मंगेतर हो, शौहर नहीं। भाभी प्लीज अपने भाई को ना थोड़ी सी तमीज सिखाएं। अम्मी को पता चला कि ये मेरे रूम में आ गए, वो बहुत नाराज होंगी। मैंने शानी को बाहर ही मना किया था लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। शानी, तुम्हें अरीबा से जो भी बात करनी है तुम ड्राइंग रूम में बैठो, वहां आकर वो बात कर लेती है तुमसे। शानी चलो, बहुत हो गया अरीबा, सीधी तरह मेरी बात मान जाओ वरना तुम जानती हो मैं कितना टेढ़ा आदमी हूं। मोहब्बत करता हूं तुमसे इसलिए अब तक बर्दाश्त कर रहा हूं, मेरी मोहब्बत को मजीद मोहताज बनाओ। मुझे धमकी दे रहे हो शानी? नहीं, वार्निंग, लास्ट वार्निंग। अरे शानी बेटा, तुम कब आए? ये शानी कब आया था? वो अम्मी बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। ना सलाम ना दुआ, ऐसे ही मुंह उठाकर आया और चलता बना। बंदा गैरों को भी सलाम कर लेता है, मैं तो उसकी होने वाली सास हूँ। मुझे तो इस तरह से इग्नोर किया है उसने जैसे मेरा होना ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये तमीज सिखाई है तुम्हारे माँ बाप ने उसको? अम्मी हो सकता है उसने आपको देखा ना हो। कैसे ना देखा हो, इतनी बड़ी औरत उसको नजर नहीं आई है? देखो ये तौर तरीके ना तुम्हारे घर में चलते होंगे लेकिन इस घर में नहीं चलते, समझा देना अपने भाई को तुम। हमारा होने वाला दामाद है वो, हमारे साथ उठना बैठना होगा उसे। जी अम्मी मैं समझा दूंगी। और रुको, ये क्या तरीका है तुम्हारा कि तुम डायरेक्ट शानी को अरीबा के कमरे में लेकर गई हो? वो अम्मी वो अगर आइंदा वो यहाँ आए ना तो पहले मुझे बताना और उसको ड्राइंग रूम या लाउंज में बिठाया करो। इस तरह से डायरेक्ट अरीबा के कमरे में ले जाना ठीक नहीं है, समझ गई तुम? जी। बाबा अपने कमरे में है? मैं मामू से मिल चुका हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अनमोल, क्या सोचा तुमने? मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। झूठ बोल रही हो तुम, तुम जब से यहाँ बैठी हो मुसलसल इसी बारे में तो सोच रही हो, या तुम कोई फैसला करना नहीं चाहती हो? सारे तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब इतना आसान नहीं है, वो कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए तो तुमसे कोर्ट मैरिज का कह रहा हूँ, अगर अम्मी मान जाती तो कोर्ट मैरिज की जरूरत ही कहाँ पड़ती है हमें।
ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं खुद मुख्तार हूँ, अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सारिम, इससे रिश्तों में मजीद इख्तलाफात बढ़ जाएंगे और फिर नफरतें बढ़ जाएंगी। तो अभी कौन सी मोहब्बत है? अम्मी मामू को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, मामू अम्मी की शक्ल देखने के लिए राजी नहीं है। मोल, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान पुराने रिश्तों में पड़ी दरार को जोड़ना नहीं बल्कि नए रिश्ते की बुनियाद रखना चाहता हूं, जिसकी तामीर में हमारी मोहब्बत शामिल होगी। अनमोल, मेरा यकीन करो, मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। मैंने इतना बड़ा फैसला बहुत सोच समझ के किया है। अनमोल, मैं किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। अब बताओ, तुम उसे कोर्ट मैरिज करोगी या नहीं? प्लीज अनमोल, मेरी बात मान लो, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बाबा, तुम गए नहीं अभी तक? जी मामू, बस निकल ही रहा था। चलता हूं। हमेशा से मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है मामा? जो चीज मुझे पसंद आती है वो मुझसे छीन ली जाती है। दिल तो चाह रहा था कि शिफा का भी वही हाल करूं जो उसके कमरे का हाल किया। तेरी हर वो चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो जमीन पे रेजा रेजा होकर बिखरी पड़ी थी। आज परीक्षा के अलावा ये सब कोई नहीं कर सकता। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कहीं नहीं जाएगी। मामू ने कुछ नहीं सुना, अगर सुना होता तो क्या वो इतनी खामोशी से चले जाते? अनमोल, तुम बिला वजह जिस बात का वजूद ही ना हो उसकी भी टेंशन ले लेती हो। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, बिला वजह ही परेशान हो जाती हूँ, जैसे खुद पर से यकीन ही खत्म हो गया हो। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा अनमोल। अनमोल, इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, इसीलिए तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरे ख्याल में हम दोनों के लिए यही बेहतर है। क्या हुआ? आप ही परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं। कोई तो बात है? कोई बात नहीं है बुशरा, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो इस वक्त? जाकर सो जाओ ना, मैं आती हूं। अच्छा रुको, वो बाबा ने कुछ बताया तुम्हें? मतलब कुछ पूछा है, कुछ कहा है उन्होंने? नहीं तो क्यों, कोई बात है ये? नहीं, कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, मैं आती हूँ। शानी। हाँ माँ। शाजिया ने तुम्हारी शिकायत की है। मैं कहती हूँ तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी?
और ये क्या हरकत करके आए वहां पर? अभी सिर्फ तुम्हारी अरीबा से मंगनी हुई है और तुमने हक जताना शुरू कर दिया। अम्मा, ये मेरा और अरीबा का मामला, आप सब इससे दूर रहें। अब ये तुम्हारा और अरीबा का मामला नहीं है, दो खानदानों का मामला है। और ये मत भूलो, तुम्हारी बहन का घर जुड़ा हुआ है इस मामले से। और ऐसा भी क्या हो गया जो अभी से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया तुम लोगों ने? ना बड़ों का लिहाज, ना अदब, ना तमीज। अभी सिर्फ मंगनी हुई है, शादी के बाद क्या करोगे तुम लोग? अब एक काम करें, आबिदा खाला से बोल दें कि हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। अच्छा, अरे क्या बात है, वो तो जैसे सिर्फ ना मेरे इंतजार में बैठी हुई है। मैं जबान से बात निकालूंगी और वो अमल कर देगी। अरे बेटा, शादियां हवाओं में नहीं होती, खर्चा करना पड़ता है। और वो तुम्हारी लाडली नवाबजादी, अरे उसके तो नखरे बहुत ज्यादा है, उसे तो कोई चीज पसंद भी नहीं आती। पहले उसने मंगनी पे इतना खर्चा करवाया, अब पता नहीं शादी में क्या करवाएगी। और तुम, अरे तुम तो सब कुछ लुटा दोगे उसके लिए। अरे तो अम्मा को खर्चे की पड़ी रहती, अरे मेरा पैसा यार, जहां मर्जी लुटाऊं। हाथ तुम सिद्दीकी की तरफ गए थे? झूठ मत बोलना, शबानाबाजी ने खुद देखा है तुम्हें उनके घर से निकलते हुए। हाँ गया था, मामू की तबीयत ठीक नहीं थी, उनसे मिलने के लिए गया था। मामू से मिलने गए थे या अनमोल से? मामू से मिलने गया था और अनमोल को देखने, क्योंकि उसे देखे बिना मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। ऐसे क्या देख रही हैं? आप ही ने तो कहा था कि मैं सच कहूं। ये देख रही हूं कि तुम ऐसे तो नहीं थे सारे, मुंह फट बेहया। उस लड़की ने तुम्हें अपने जैसा बना लिया है। मां के सामने ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इसमें शर्म की क्या बात है, मैं अनमोल से शादी करना चाहता हूं, उसके साथ एक मुकद्दस रिश्ता बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी ये ख्वाहिश तो कभी पूरी नहीं होगी। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने आपसे कहना छोड़ दिया। क्या मतलब? समझी नहीं मैं तुम्हारी बात। बहुत जल्द समझ जाएंगे, इंतजार कीजिए। बुशरा, अगर तुम मेरी हेल्प ना करती तो मेरी असाइनमेंट कभी भी कंप्लीट ना होती और मिस परवीन मेरी जान निकाल देती। क्या हुआ यार, तुम कुछ दिनों से मुझसे खिंची खिंची लग रही हो, वैसे बात नहीं कर रही जैसे पहले करती थी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस टाइम नहीं मिल रहा, एग्जाम्स होने वाले, पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ, मैं किसी से भी बात नहीं कर रही हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम वैसे भी तो पढ़ाकू हो ना। बेस्ट ऑफ लक। हेलो गर्ल्स, यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है तुम्हारी दोस्त को लेने तो नहीं आऊंगा, तुम्हें लेने आऊं। चलें। अरीबा मैं जा रही हूँ। अरे रुकिए तो। ऐसा है कि सीधा घर जाना है अच्छे बच्चों की तरह, और रास्ते में किसी से कुछ लेकर नहीं खाना। और आबिदा आंटी को अगर कुछ बताया तो मुझे तो तुम जानती हो, जुमला मुकम्मल करने की जरूरत नहीं है। तुम इसे क्यों तंग कर रहे हो? तुम जाओ घर जाओ। ट्रिपल सवारी भी अलाउ है मुझे। क्या मुसीबत है यार,
मेरा जीना तो दो बार किया हुआ है, अब क्या मेरे साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी अजाब करोगे? सॉरी यार, क्या चिचोरापन है, सेंटर रखो, सब देख रहे हैं। देखो तुम्हारी बात मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि तुम मेरे साथ बाइक पे नहीं बैठ जाओ। अगर तुमने अब भी इनकार किया तो मैं अपने कदमों में बैठ जाऊंगा और तुम्हें ये फूल पेश करूंगा, और कोई ना कोई हमारी वीडियो बना लेगा तो वायरल हो जाएगी, फिर मुझसे शिकायत मत। शानी अगर तुम अभी और इसी वक्त नहीं उठे ना, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। अरे तो दबा दो ना यार, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, दबा दो। उठो, जितनी देर करोगी ना तब तो कोई ना कोई हमें पकड़ ही लेगा और फिर लोग कहेंगे कि एक हसीना थी जिसका एक दीवाना था हीरो टाइप। चलो 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 आओ। तुम कहो तो मैं मामू से बात करूं? पागल हो गई हूँ, ऐसा सोचता भी मत। क्यों यार, मुझे मामू से कम एक दफा बात तो करने दो, हो सकता है कि वो मेरी बात को समझे। बाबा भूखे बगैर कभी हमारी शादी नहीं करवाएंगे, मैं जानती हूँ अपने बाबा को। हो सकता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा ना हो, तुम एक दफा मामू से बात तो करके देखो। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर मामू से बात करते हैं। ओके? नहीं सारिम, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे बाबा को मेरी किसी भी बात से उनको दुख पहुंचे, और ना ही कोई ऐसी हरकत करना चाहती हूँ जिससे वो हर्ट हो जाए। यार दिस इज नॉट फेयर, मैंने अपनी अम्मी से बात की है ना, तो तुम फिर मामू से बात क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, और बेटियां अपनी ख्वाहिशें मार कर अपने माँ बाप की इज्जत और उनकी उम्मीदों पर खुद को कुर्बान कर देती। अगर अपनी खुशियों की खातिर अपने माँ बाप की इज्जत का सौदा नहीं करती, बेटियां खुद गर्ज नहीं होती सारे। अब अच्छा आप यहाँ से राइट टर्न ले लेना आगे से, मैंने अपनी स्कूटी मैकेनिक को दी हुई है, वो लेनी है। आप कौन सी शॉप? वो आगे से राइट होंगे ना तब आ जाएगी। यार कह तो रहा हूँ माफ कर दो यार, सॉरी गलती हो गई यार, गुस्सा आ गया मुझे उस दिन। अब देखो ना, तुमसे बात नहीं होती तो दिन नहीं गुजरता मेरा, अब मूड खराब नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, तुम बताओ। अच्छा बता क्या कहोगे बेटा? मुझे घर जाना है। घर भी छोड़ दूंगा यार, पहले मूड तो ठीक कर लो। ये क्या बिला वजह की जबरदस्ती है, तो हमेशा अपनी मनमानी क्यों करते हो? देखो जब तक तुम मानोगी नहीं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा तो तुम मुझे सिर्फ अपने सुकून के लिए मना रहे हो, कितने खुदगर्ज हो तुम, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। यार बिल्कुल अपनी माँ पर गई, हर बात का गलत मतलब लेती हो। अम्मी के बारे में कुछ मत बोलो। अम्मी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये मान तो जाओ यार। शॉपिंग विजिट, जो कहोगी वो खरीदेंगे। बताओ क्या चाहिए? अरे अब भी ले देते हैं, छोड़ तो क्या, मुझे घर जाना है और मैं जा रही हूँ। शाजिया जी। अम्मी ये अरीबा अभी तक क्यों नहीं आई है? अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था ना, जरा फोन तो मिला उसे। अम्मी मैंने अभी कॉल की है, वो फोन नहीं उठा रही। फोन नहीं उठा रही तो शानी को फोन करो। शानी को क्यों अम्मी, वो तो काम पे होगा ना। तुम फोन मिलाओ तो सही, अभी पता चल जाएगा कि वो काम पे है या कहीं और। अम्मी अरीबा आ गई। कहाँ रह गई थी तुम, इतनी देर क्यों हो गई? उफ अम्मी, कॉलेज की छुट्टी को तो 2 घंटे हो गए ना, और तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं आज बहुत ट्रैफिक थी इससे देर हो गई। अब भाभी मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना लगा देंगी प्लीज? वैन में आई हो?
अम्मी आप मेरे पे शक कर रही हैं? थोड़ी सी क्या लेट हो गई, आप तो सवाल पे सवाल पूछ रही हैं मेरे से, जिस तरह मैं कॉलेज के बाद पता नहीं कहाँ चली गई हूँ। भाभी आप अभी तक इधर ही हैं, प्लीज खाना लगा दें, मैं भूख से मर रही हूँ। अम्मी मेरा नहीं लिहाज करना, तो भाभी का तो लिहाज कर ले, वो मेरी भाभी नहीं लेकिन होने वाली नंद भी हैं। अगर आप नहीं मुझे ट्रस्ट करेंगी तो कौन करेगा? मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें देर हो गई थी इसलिए मैं परेशान थी भाई। अगर आप परेशान होगी इसका ये तो नहीं मतलब कि आप मुझे भी परेशान करें। या अल्लाह अच्छा बेटा फिलहाल तो आपकी स्कूटी ठीक हो गई है, आप ले जाएं, मगर इसके इंजन में बहुत काम है, आपको किसी दिन सुबह से शाम तक स्कूटी यहाँ दुकान पे छोड़नी पड़ेगी। जिस दिन भी आपके पास टाइम हो ये स्कूटी यहाँ ले आइएगा, मैं देख लूँगा, इसमें जो भी काम होगा ना वो मैं कर दूँगा, ठीक है बेटा? चेंज कर लो। स्कूटी चेंज कर लो। तुम्हारे अब्बा की तरह रिटायर होगी, ऐसे ही घसीट के फिर रही हो यार अब्बा को भी स्कूटी को भी। बड़ा शौक है दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करने का। सारे मियां भी आए हैं, जय नसीब, क्या बात है क्या बात है। वैसे दोस्ती हो गई आप दोनों की या अभी भी अम्मा अब्बा से चुपके मिल रही हो? हाँ हो गई है, और अपनी हद में रहा था समझ में आई तुम्हारी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक तुम्हें जितनी भी इज्जतें दी ना उस सब का हिसाब किताब आज ही पूरा कर। कसम खुदा की ज़बान, नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। सारिम छोड़ो उसे, इस जाहिल के मुंह लगने की जरूरत नहीं है, छोड़ो उसे, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, छोड़ो उसे। सुनो ना, तुमसे समझदार है तुम्हारी कजन, तुम्हें पिटते हुए नहीं देखना चाहिए। छोड़ो सारिम उसे, छोड़ो, चल बच्चे बच्चों की तरह छोड़ छोड़। अरे सारिम क्या हो गया तुम्हें यार? एक तो तू दुनिया में सिर्फ मेरे कपड़ों की स्थिति खराब कर रहे हैं यार। चलो यहाँ से, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, चलो। सारे चलो सारे, चलो यहाँ से, चलो। समझ रहे हो चाचा? तेरी अरे शाजिया सर देखो ये डिजाइन कैसा है। अम्मी अगर आप अपने लिए देख रही हैं तो मेरे ख्याल से ये डिजाइन बहुत अच्छा है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं भाई अपने लिए कहाँ, वो वसीम ने ना कुछ पैसे भेजे थे तो मैंने सोचा अरीबा के लिए थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना शुरू कर दूँ, और अरीबा की पसंद का तो तुम्हें पता है, और फिर ये भी पता है कि आजकल क्या नया फैशन चल रहा है, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेकर आई हूँ, बताओ। अच्छा अगर आप अरीबा के लिए देख रही हैं तो मेरे ख्याल से ये चेन बहुत अच्छी रहेगी उसके लिए, इस पे अल्लाह भी लिखा है, पीछे आयतल कुर्सी भी लिखी है, बाबरकत भी होगा, और आजकल यही फैशन चल रहा है, मेरी दोस्त ने भी बिल्कुल ऐसा ही बनाया है। हाँ वाकई ये तो बहुत अच्छी लग रही है, यही लेते हैं, ठीक है इसका वेट कर दीजिए प्लीज। ठीक $75 ठीक है।
जी ये मुझे लगता है बहुत अच्छी रहेगी अरिबा के लिए। चले ठीक है भाई, ये पैक कर दीजिए। ठीक, और कुछ मुनासिब कीजिए कल। सारिम तुम्हें कितनी बार कहा है उस गुंडे के मुंह मत लगा करो। उसकी किस्मत अच्छी थी जो तुम मेरे साथ थी। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती ना तो मैं उसे बताता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी जॉब पे होना चाहिए ना। जी वो लंच के लिए निकला था, मैं वापस ऑफिस से जा रहा हूँ। तुम यहाँ आते हो तुम्हारी माँ को पता है? ऑफिस जा रहा हूं, देर हो रही है। सारिम के साथ आई हो? जी बाबा, स्कूटी खराब थी, मैकेनिक के पास लेकर जानी थी, इसीलिए सारिम साथ चला गया। अनमोल, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है जब कोई काम हो तो मुझसे कहा करो, सारिम को बुलाने की जरूरत नहीं थी। जानती तो हो तुम अपने फूफो के मिजाज को, जरा सी बात का बतंगड़ बना देती है। जी सॉरी बाबा, आइंदा नहीं होगा।